दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ महाराष्ट्र पुणे के एक ऐसे रेस्टोरेंट में जहाँ दिन भर में 150 किलो से भी ज्यादा केकड़े एक दिन में बनाए और बेचे जाते हैं और पुणे के लोगों द्वारा इन केकड़ों को यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। इस होटल में सबसे ज्यादा डिमांड यहाँ के मसाला केकड़े की है। पूरे दिन भर में 700 से 1000 केकड़ों को 5 से भी ज्यादा डिशेस बनाई जाती हैं। तो आइए आज यहाँ की मेकिंग देखते हैं और आपको यहाँ पर खाकर भी बताते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ, पुणे में। मैं बहुत सारी जगह ऐसी ढूंढ रहा था जो यूनिक हो, जहाँ पे एक ऐसी प्रिपरेशन मिलती हो जो इससे पहले हमने हमारे चैनल पे ना दिखाई हो। प्रथमेश के नाम से रेस्टोरेंट है और यहाँ की जो खासियत है वो है क्रैब। जी हाँ, केकड़ा प्रिपरेशन यहाँ पे होती है। ज्यादा देर नहीं करते, अंदर चलते हैं, ऑनर से बात करते हैं और देखते हैं कि इनकी प्रिपरेशन कैसे रहती है। आइए। तो ये आ गया अपना केकड़ा। केकड़ा आ गया, देख सकते हो। तो दोस्तों देखो, ये केकड़ा आ चुका है यहाँ पे। ये देखो यार, ये देखो किस तरह से केकड़े ये आ गए। ये देखो, ये है माहौल। देखो प्रथमेश केकड़ा, कितना बड़ा केकड़ा है। देखो यार, ये देखो साइज देखो यार, लुक एट द साइज। ये गणेश बाबू ने तो पकड़ लिया भी है। अरे नहीं, इधर पकड़ो, ऐसे पकड़ो, मैंने पकड़ा वैसे पकड़ो। नहीं काटेगा ऐसा, क्या भाग रहे हो? हैं इधर 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 उन्हें कैसे पकड़ा, वैसे पकड़ो। इधर एक उंगली रखो, इधर एक उंगली। छोड़ो छोड़ो छोड़ो, तो कितना हो गया आपने? ये है देखो। हैं यार, ये अगर ये इस पे कोई उंगली डाल दे तो डाल के देखो एक बार। तो फिर भाई ले लो, ये आंखें बाहर निकाल ली इसने। ये देखो और इसके ये जो है ना पंजे, ये देखो कितने खतरनाक पंजे हैं। अरे यार, ये क्या कर रहे हो? तो मतलब जब भी केकड़ा आता है तो इसी तरीके से भीड़ लग जाती है क्या हमेशा? हाँ, ऐसे ही भीड़ लगती है। केकड़े ने फेमस कर रखा है वैसे देखा जाए तो। क्या क्वालिटी कैसे चेक करते हो जब ये आता है सर आपके पास? अपन क्वालिटी ऐसे चेक करते हैं, बड़े बड़े निकाल के लेंगे इसे। बड़े बड़े निकाल के लेते हैं, इसमें छाटते, छोटा छोटा हुआ माल है ना वापिस मार्केट चला जाता है, और जो बड़ा माल रहेगा वही अपन अच्छा अच्छा करके लेते हैं। चिकन मटन से भी महंगा आइटम है। बहुत बढ़िया, ये तो और भी बड़ा है। एक छोटा निकालना, ये देखो रिजेक्ट वाला छोटा सा है, छोटू सा। ये पूरा जब ये छाट लेंगे अच्छे अच्छे, उसके बाद में इसको फिर प्रोसेस किया जाएगा, तो अभी आपको वो भी प्रोसेस दिखाएंगे हम लोग। तो ये है केकड़ा मीडियम साइज। अच्छा। इसका जो नांगा था वो अलग कर दिया, ये उसके पाव, ये पाव भी अलग कर दिए हैं, पाव भी अलग कर दिए। अभी ये जो मेन पार्ट है ये रहता है क्लीनिंग करने का। अच्छा। हाँ, तो उसका ये खोलने का तरीका है। तो अभी ये हो गया उसका मुंह बाजू में। अच्छा। अभी ये इसको बोलते हैं जो पेंदा, तो इसका ये क्लीनिंग का प्रोसेस रहता है। तो ये बस इतना क्लीन करके, बस इतना क्लीन करने के बाद ये हो गया अपना किचन में जाने के लिए रेडी। अच्छा, ये खोल निकाल दिया उसका। हाँ, बस ये अभी क्लीन पार्ट हो गया, ये क्लीन पार्ट हो गया। हाँ। ये देखो, ये तो था हेड। हाँ, ये जो येलो दिख रहा है उसको बोलते हैं मांदा। ये रहता है काली पाठी का खेकड़ा। तो इसका जो ऊपर का हिस्सा जो रहता है, इसमें से ये जो निकला है, मराठी में बोलते हैं इसको मांदा। तो यानी कि जो भी ओरिजिनल पावर रहता है केकड़े में, तो वो इसी में रहता है। और ये पैरों में, इस मांदा में रहता है इसका पावर। हाँ, इसका। तो ये अपन सब्जी फ्राई में यूज करते हैं, जो अपन भी अपना सूप बनाते हैं, जो अपन रस्सा बनाते हैं, वो तो इसमें रियल यूज होता है ये इसका। अच्छा, ये भी डलता है इसमें? ये भी डालता सूप है में। हाँ, ये देखो, ये इसका, उसको नांगा। अच्छा, ये इसके पंजे को नांगा बोलते हैं। नांगा है बोलते हैं, राइट। और ये इतनी जल्दी टूट जाता है? नहीं, हाँ ये जल्दी टूट जाता है। और ये रहते उसके पैर, ये भी उसका ग्रेवी में, ये पैरों का भी यूज होता है। तो ये ग्रेवी में, मतलब इसका हर एक पार्ट यूज होता है? हर एक पार्ट यूज होता है, राइट राइट। ये देखो यार, मतलब कितनी स्पीड से ये लोग, मतलब ये जिन पंजों से इतना डर लगता है उसको ये एक ही झटके में तोड़ देते हैं। स्पीड देख रहे हो आप, यहाँ पे ये सारे पंजे और पैर तोड़ के इसमें डाल रहे हैं, और इसमें डालने के बाद एक एक ये लेके इसका क्लीनिंग प्रोसेस स्टार्ट कर रहा है और पूरा क्लीन कर रहा है। और उसके बाद में जो सारा यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ये जाएगा किचन में और पूरा मेकिंग स्टार्ट होगा। तो अभी इसका आगे का जो प्रोसेस है, यानी कि केकड़ा का, हमारा केकड़ा फ्राई या तंदूर या करी, जो भी उसका जो पूरा प्रोसेस है, वो अभी हमारे बड़े भाई जो है, जो कि प्रोसेस होना चालू हो गया, वो आपको हमारे बड़े भाई आपको बता देंगे। अच्छा, प्रोसेस ऑलरेडी वो अंदर चल रहा है, है ना? चल रहा है, चल रहा है। तो किचन में चले फिर? चलो किचन में चलते। तो दोस्तों ये है केकड़ा, प्रथमेश का केकड़ा। अभी हम लोग अंदर चलेंगे। ये देखो, मेरे को ये जो पैर है ना इसके, ये बहुत चुभा रहा है मेरे को। ये पकड़ाने के लिए 5 लोग लगे थे अभी यहाँ पे, मैं ज्यादा देर नहीं पकड़ सकता।
अभी अंदर चलते हैं इनके किचन में, बनवाते हैं ये और खा करके देखते हैं कि यहाँ का जो स्वाद है ना, टेस्ट कैसा है। तो दोस्तों ये है यहाँ के ऑनर, और सर आपका नाम? मेरा नाम है हर्षल पाईगुड़े। तो हर्षल सर ये मेरे को बताओ कि ये कब से है आपका रेस्टोरेंट? जो रेस्टोरेंट का यहाँ पे जो बना है वो 2 साल से है। अच्छा। लेकिन हमारा जो रेस्टोरेंट छोटा था वो पहले से 15 साल से वो है, कंजेस्टेड हो रहा था, छोटा हो रहा था, तो इसलिए सब लोगों की रिक्वायरमेंट थी थोड़ा अच्छा बनाओ फैमिलीज के लिए, इसके लिए तो हमने वो लोकेशन शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आए। तो ये तो काफी बड़ा है, मैं देख रहा हूँ स्पेस बहुत अच्छा है स्पेस है आपके पास। हाँ। फ्रंट है, बैक है, ऊपर भी है शायद, है ना? हाँ, ऊपर नीचे आगे पीछे ऐसे सब जगह है। सब जगह है। हाँ। तो कितने लोग एक बार में बैठ सकते हैं यहाँ पे? हमारे यहाँ 400 कवर, 400 लोग बैठ के, 400 लोग वेटिंग पे रहते हैं। क्या बात कर रहे हो, 800 लोग पूरे महाराष्ट्र में ही बोल सकते हैं कि क्रैब जो डिश बनाई है वो सबसे पहले हमने बनाई। अच्छा। डेली 100-150 किलो से खेकड़े आते हैं, सीजन पे तो हम ज्यादा मंगाते हैं, 350-400 किलो तक जाता है। तो एक बार किचन में चले देखें आपका प्रोसेस कैसे है। आइए सर, चल गए। तो देखिए हमारा किचन एकदम क्लीन रहता है। आप सुबह दोपहर को शाम आएंगे, आप देखो फर्श देखो, टाइल्स देखो, बर्तन देखो, पूरे एकदम सुपर क्वालिटी के रहते हैं। और ये आपको सुनने में बहुत ये होगी कि ISO सर्टिफाइड है, ISO 9001:2015 सर्टिफाइड है। अरे वाह, क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया। वो देख भी रहा है एक्चुअली, आप देख सकते हो दोस्तों ये पूरा जो है सब कुछ बहुत ही क्लीन है, बिल्कुल क्लीन है। इवन आप देख सकते हो इनका जो ये बर्तन है सब कुछ क्लीन है, बहुत बढ़िया। तो अभी ये क्या बन रहा है सर, यहाँ पे थोड़ा बताएंगे? अभी यहाँ पे देखो ये बन रहा है चिकन का मसाला। अच्छा, यहाँ पे चिकन भी आप सर्व करते हैं? चिकन नॉन वेज ऑल सारे आइटम। ये बन रहा है केकड़े का मसाला, अभी इसका प्रोसेस चालू है पूरा। हाँ। अभी एक पूरा 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 पतीले भर के बनाएंगे, और ये मसाला 4 बजे तक के लिए, सुबह बनाया और दिन भर वही खिलाते बैठे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। 200 प्लेट तो डेली का हमारा मेकिंग रहता ही है। और इस तरफ आपने ये चावल और ये राइस वगैरह का सेक्शन है ना, तो ये जो क्रैप है ये ज्यादातर राइस के साथ खाया जाता है कि नहीं? भाकरी के साथ खाया जाता है, और हमारे यहाँ पे इंद्रायणी राइस बनता है ये, इस टाइप का जो थोड़ा ये रहता है गीला गीला टाइप का रहता है, अभी बना नहीं है ये। और इधर क्या बन रहा है सर? यहाँ पे खेकड़े का ग्रेवी रस्सा बोलते हैं उसको, काले मसाले का। और ये क्या है सर? ये क्रैप पकड़े, ये क्रैप पकड़े अंदर। हाँ। निकालिएगा थोड़ा, इसका सूप बनाया जाता है। ये देखो, तो ये क्रैप के पैर है। हाँ, उसका सूप बनाया जाता है। ऐसा ही नहीं है कि पूरा गाउठी टाइप का खाना मिलता है, तो इंडियन का भी खाना मिलता है, जैसे पनीर के डिशेस हो गए, वेज नॉन वेज के पूरे। यहाँ पे देखिए ये पनीर के ये बढ़िया तरीके मसाले रहते हैं, सेटिंग का मटेरियल रहता है, सेटिंग का मटेरियल भी देखिए आप कितना क्लीन है, एकदम अपने घर में जैसे रहते हैं वैसे। अभी 12 बजे चालू हो जाएगा ना, तो रात को 12 बजे तक उसका सर्विंग का प्रोसेस चालू रहता है हमारा। और खेकड़े तो कैल्शियम के लिए बहुत अच्छी तरह से जाने जाते हैं। अच्छा। ये सूप हम रस्से में भी देते हैं और येलो ग्रेवी में भी देते हैं। जैसे देखो अभी यहाँ से सूप उठा के ये पूरा रस्से में डाल दिया, कि ऐसे नहीं पानी डाल के दे दिया हम लोग। ओके, तो ये जो रस्सा बनता है इसका, ये इसका जो सूप है वही पानी इसमें यूज किया जाता है ना, वही रस्सा यूज किया जाता है। बहुत बढ़िया, क्योंकि जो ये मसाला बन रहा है जो क्रैप के लिए बनता है ना, जो उसकी ग्रेवी के लिए, स्पाइसेस के लिए हम लोग सुहाना का मसाला यूज करते हैं। वो मसाला देख सकते हैं, मसाला तो एकदम A1 क्वालिटी का रहता है सुहाना का, और जो हमारे पास फुल भरा पड़ा रहता है। तो सुहाना एक वो है मतलब कंपनी? हाँ, हमारे यहाँ की कंपनी है। अच्छा, अच्छी तरह की ऐसे ब्रांड के मसाले यूज होते हैं सब। तो ये है ना अंबारी, मतलब जो भी गरम मसाले होते हैं वो सब कुछ होते हैं इसमें, कोई सीक्रेट नहीं है। हम पहले से ही बताएं, मेन्यू कार्ड में भी मेंशन किए कि हम सुहाना का मसाला यूज करते। अच्छा। सीक्रेट ये है कि कितना डालना है, कैसे डालना है, कैसे पकाना है। हाँ। वो हाथ की कला है, हाथ की टेस्ट देने की। हाँ। ये आगे है, ये है केकड़ा के पंजे, मैं एक बार आपको फिर उठा करके दिखाता हूँ। ये देखो ये केकड़ा के पंजे है, और अब ये जो पंजे है ये जा रहे हैं इस करी में, ये देखो सूप के अंदर जा रहे हैं, ये डल गया पूरा, बहुत बढ़िया। तो अभी ये कितनी देर पकेगा इसमें? 2 घंटा पकेगा, तो 2 घंटे के बाद प्रिपेयर हो जाएगा। 2 घंटे के बाद प्रिपेयर हो जाएगा, और फिर इसको इसी करी के साथ में सर्व कर दिया जाएगा। हाँ, इसी करी के साथ सर्व करें। अपने पास केकड़े का एक केकड़ा तंदूर करके एक आइटम है, वो भी दिखा देंगे अपने। अच्छा। हाँ। तो ये किसके लिए जा रहा है वो? ये अभी जा रहा है अपना केकड़ा तंदूर के लिए। तंदूर के लिए? तो तंदूरी केकड़ा कहाँ बनता है? तंदूरी केकड़ा का इधर सेक्शन है, इसमें तंदूर। चलिए, इसको हमारी मराठी भाषा में नांगा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नांगा, नांगा, नांगा। और हमारी भाषा में बोलते हैं इसको पंजा, पंजा, पंजा। हाँ। और ये उसका आता है पेट, खेकड़े का, खेकड़े का पेट है, तो पेटा बोलते हैं इसको। चलिए, तो दोस्तों आप देखते हैं तंदूर में ये कैसे बनता है। इसको अंदर भट्टी में डाल देंगे। अच्छा, डायरेक्ट भट्टी में डाल दिया? डायरेक्ट भट्टी में डाल दिया। अभी कितनी देर पकाते हैं अंदर भट्टी में इसको? 5 मिनट उधर पकाएंगे, उसके बाद बाहर निकालेंगे, मसाला लगा के वापिस इसमें सरिया में डाल के उसको वापिस अंदर डाला जाएगा।
तो ये देखो दोस्तों, ये कैसे निकाल रहे हैं इसको, ये हाथ में इन्होंने ये बांध लिया कपड़ा और ये अंदर से केकड़ा निकाल रहे हैं। ये देखो यार भाई, क्या धुआं निकल रहा है इसमें से, ये देखो। अब इसको खाते कैसे हैं? मेन तो ये, इसको खाएंगे कैसे? वो तो बाद में दिखा देंगे आपको। अच्छा, पहले प्रिपेयर तो होने दो। इसको खाने का भी अलग तरीका होता है इसका। तो ये आ गया अभी, है ना, ये आ गया केकड़े का मसाला। केकड़े का मसाला इसे तोड़ा जाएगा। तो ये थोड़ा सा ही, थोड़ा सा ब्रेक होता है इसमें सलाया डालने के लिए। मतलब ये ना पहली बार खाएंगे अपन यहाँ पे केकड़ा पुणे में। ये तंदूरी केकड़ा का प्रोसेस चल रहा है। ये इन्होंने लगाया सबसे पहले तो केकड़ा का बॉडी, है ना, और ये है पंजा केकड़े का, ये देखो आप। हाँ, तो अभी देखो ये लग गया है पूरा इसमें, अभी ये जा रहा है इसके अंदर। हाँ, इसमें अभी 15 मिनट तक पकेगा वो, बस सर्व हो जाएगा, है ना। इसको किसके साथ खाते हैं लोग? इसको तो हरा चटनी देते, जैसे हम तंदूरी चिकन खाते हैं उस तरह से। यस यस यस। तो दोस्तों अभी हम आ गए इनके किचन में। ये देखो, ये बाकी की चीजें प्रिपेयर हो रही हैं। ये सबसे पहले तो जो ये केकड़ा करी होता है ना, केकड़े के रस्से के साथ में ये मेकिंग हो रहा है। और ये इन्होंने जो है ये मसाले वाला है, ये सारे एक साथ ही प्रिपेयर हो रहे हैं। ये मसाले वाला प्रिपेयर हो रहा है, आप देख सकते हो। अभी ये लगभग हो चुका है, तो अभी इसकी प्लेटिंग होगी। और इस तरीके से होती है इसकी प्लेटिंग, ये देख सकते हो आप। और ये डाला है इसका ये पंजा, जो नांगा बोलते हैं जिसको यहाँ पे। और ये पूरा जो आप देख रहे हैं अभी, ये जो बाकी का ये मसाला बचा हुआ है, ये है केकड़ा मसाला डिश। तो ये हो गया देखो पूरा तैयार, हाथ में ये डाल दिया इसके ऊपर में। और अभी ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाली जो डिश है इसको बोलते हैं रस्सा केकड़ा। तो रस्सा केकड़ा है ये पूरा रस में बनता है। इसमें भी डाल दिया पूरा धनिया, और धनिया वगैरह डाल के ये हो गया तैयार। और अभी इसको भी प्लेटिंग करेंगे। मैं ये लिया पूरा और ये रस्सा डाल दिया, ये देखो यार, ये है मतलब देखो पुणे का माहौल। तो ये सारी जो प्रिपरेशन है तैयार हो रही है। अभी हम ज़्यादा देर नहीं करके, देखो तीसरी डिश भी आ गई है, और इसको भी ये डाल रहे हैं इसमें। और ये डाल दिया रस्सा, तीन चीज़ हमने लगवाई थी, ये तीनों चीज़ें हो गई हैं तैयार। और चलिए अब इसको लगवाते हैं टेबल पे, और आपको खा करके बताते हैं इसका टेस्ट कैसा है। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और मैं हूँ पुणे महाराष्ट्र में, और मैं आज आया हूँ प्रथमेश केकड़ा स्पेशल। और आपने देखा पूरी मेकिंग कि किस तरीके से कितने बड़े लेवल पे यहाँ पे केकड़ा बनाए जाते हैं। और केकड़ा रेसिपीज़ एक नहीं, दो नहीं, चार पांच रेसिपीज़ है केकड़ा की, जिसमें से शॉर्टलिस्ट हमने ये तीन लगवाई है यहाँ पे। गणेश भाऊ पहले बताएंगे अपन को कि ये कौन सी डिश है और इसको खाते कैसे है, क्योंकि मैं पहली बार ये एक्सपीरियंस करूँगा। मैं तो अभी तक यही देख रहा हूँ कि इसको मैं खाऊँगा कैसे। तो सबसे पहले कहाँ से स्टार्ट करें आप बताओ? अपन तो फ्राई से स्टार्ट करेंगे पहले। ये इसका पीस देखो यार, ये इसके पंजे का पीस देखो कितना बड़ा है। और ये मेरे ख्याल से स्पेशल फ्राई वाला है ना, स्पेशल फ्राई वाले में ये इतना बड़ा केकड़ा देते हैं। तो गणेश भाव कैसे खाते हैं इसको? सबसे मजे वाली बात तो यही है, हम केकड़ा खाने के लिए सिलबट्टा देते हैं। सिलबट्टा है ये बकायदा, देखो इतना भारी पत्थर का सिलबट्टा। तो इससे फोड़ के खाएंगे अभी अपन केकड़ा, केकड़ा खाने में चालू करेंगे स्टार्ट। तो ये इन्होंने भी ले लिया। अच्छा, अभी कैसे करूँ मैं इसको? इसका तो आप पहले ये ऊपर का मसाला खा देंगे। तो ये देखो, ये है मसाला, देख सकते हो बहुत सही है। देखो दोस्तों, इसका मसाला जो है बहुत ही चटपटा है, और सारे फ्लेवर्स ना एक ही बार में आपके मुंह में आ जाएंगे। जो भुना मटन में मसाला होता है, कुछ वैसा सही मसाला है, ये देख सकते हो आप। क्या क्या डलता है इस मसाले में? सभी तो बता दिया आपको अभी। अभी पूरा बता देंगे तो दूसरा होटल चालू हो जाएगा। अभी फोड़ने का प्रयास अच्छा, करेंगे। तो देखो इसको ना इधर मारेंगे। अच्छा, ब्रेक, तो ये ब्रेक हो गया, सही है। ये देखो यार, ये देखो, ये है माहौल, ये देख रहे हो, सही बोल रहा हूँ मैं? ये चीज़ जो खाते हैं अपन, ये खाते हैं, ये है। अरे इसको निकल के खा सकते आप? निकालू कैसे? खाऊ ऐसे निकल के खाऊ ना? निकल के खाऊ? दोनों हाथ तो यूज करने पड़ेंगे आपको। देखो इसको ऐसे पकड़ा, ये देखो, ये जो चीज है यही है। बहुत कोशिशों के बावजूद खाने को मिलता है। ये देखो, ये मसाला लगाया इसके ऊपर, और हम
मतलब देखो इसका टेस्ट मैं आपको बताता हूँ, जो इसका ये जो अंदर से हमने निकाला था इसका मांस, लेकिन जब ये मसाले के साथ मिल जाता है ना, तब ये इसका जो क्रीमी टेक्सचर के साथ में मसाला बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है इसके टेस्ट को, है ना। पहली बार खा रहा हूँ, पहले थोड़ा डर रहा था मैं कि खाऊंगा कैसे, बनाऊँ, बनाते हुए दिखाऊंगा कैसे। ये इसको तोड़ दिया पूरा भाऊ, आपसे ज़्यादा अच्छा तो मैं खा रहा हूँ अभी, क्या बोलते हो आप? है हाँ ना, सीख गए आप? सीख गया मैं तो जल्दी। ये देखो मसाला लगाया इस पे, मैं ही खाने लगा। इधर मसाला बहुत सही था, टेस्ट बहुत ही सही। तो भाऊ ये क्या है? ये सुरमई फ्राई है और रोहू फ्राई जो हमने बोले थे। अच्छा, नीचे अपन ने जो दिखाया था, इसको यहाँ रख दीजिए। तो रोहू फिश का एक हम ये ले लेते हैं प्लेट में। और भाऊ क्या ये देखो? नहीं नहीं, ये ऐसे ही खाने में अच्छी लगती है। और ये इसके ऊपर जो आपने वो मसाला लगाया था पूरा, है ना, जो आप देख रहे थे, जो मैं देख रहा था, और उसके बाद में इसको डीप फ्राई कर दिया आपने, है ना। फिश ऑयल ज़्यादा रहता है उसमें, फिश ऑयल ज़्यादा रहता है जो बालों के लिए बहुत अच्छा होता है। पहले मिलता तो बाल बच जाते अपने। नहीं देखो क्रिस्पी टेक्सचर, और फिश तो आप कोई भी खाएंगे तो उसका एक अपना एक स्वाद होता है, वो स्वाद बिल्कुल आ रहा है। तो भाऊ इसका क्या प्राइस रहता है? ये जाएगा आपको 250 में। ये 250 का है, 5 पीसेस आते हैं इसमें, राइट? बहुत बढ़िया, सुरमई 450 में 2 पीसेस आते हैं। तो मैं स्पेशली आज जो आया हूँ वो केकड़ा के लिए आया हूँ। और अगर आप फिश लवर हैं तो फिश भी आकर के आप यहाँ पर खा सकते हैं, स्टार्टर में खा सकते हैं इसको, स्टार्टर्स में खाते हैं लोग, है ना। भाऊ अपन अब स्टार्ट करें दूसरा वाला, जो करी वाला है उसको लोग किसके साथ खाते हैं? उसको अपने पास इंद्रायणी राइस और बाजरी का भाकरी आता है, उसके साथ खाते हैं। अच्छा, आता भी तो वाला सांगतो केकड़े खाई चका से। अच्छा, तो दोस्तों देखो मेरा जो है ये पहली बार है, ये जो मैं सारा एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, भाऊ मेरे हेल्प कर रहे हैं कि कैसे खाना है इसको। ये देखो बाजरे का रोटा इन्होंने यहाँ पे दिया, इधर क्या बोलते हैं भाऊ इसको? बाजरे की भाकरी। तो ये देखो आप, ये तो है रस्सा, और ये केकड़े का वो वाला पार्ट है जो अभी तक हमने नहीं खाया, जो कि है इसका पेटा, पेटा पेट, ठीक है। इसको कैसे खाते हैं अब सब आप भाऊ बताएंगे एक एक करके। ये है इंद्रायणी राइस, इंद्रायणी राइस है ना, यह हमारे इधर बहुत चलता है, फेमस है वो। अच्छा, ये तो नींबू निचोड़ो इसमें, नींबू से ज्यादा स्वाद आएगा। नींबू निचोड़ देता हूँ, जैसा कि भाऊ ने बोला नींबू निचोड़ने का है। अभी भाकरी से स्टार्ट, भाकरी से स्टार्ट करते हैं। भाकरी तोड़ दिया अपन ने। तो ये देखो ये है, पहले इसी को खा करके देखते हैं कैसा है। जैसे अपन मसालेदार मटन करी खाते हैं ना, वैसी सी करी है ये। उसके बाद कांदा, ये कांदा आप नहीं भी बोलते तो मैं खाने वाला था ये बहुत सही है यार। ये जो रस्सा है, ये केकड़े वाला रस्सा है जो नीचे बन रहा था, केकड़े वाला रस्सा है जिसमें केकड़े का सूप भी डाला था, है ना। बहुत सही है, बहुत सही। और अभी इसको, इसका तो प्रोसेस आपने, इसका प्रोसेस तो मेरे को पता है। ये है केकड़े का पंजा, क्या बोलते हैं इसको? नांगा, नांगा। तो अभी इसको तोड़ दिया, ये देखो ये है मतलब पुणे का माहौल। तो ये इसमें से अपन निकालते हैं, अभी इधर रखते हैं। ये निकाल दिया, ये देखो यार। तो अभी ये निकालने के बाद में एक बार फिर से ये बाजरे का रोटा लेते हैं, और इसको देखो ये बाजरे के साथ लिया, और अभी इसको रस्से में डुबा के खा के, ये देखो बहुत सही। मतलब ये कैसा सा लग रहा है कि जैसे अपन चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, वैसा सही इसका अंदर का जो पार्ट है उसका वैसा सही स्वाद है, लेकिन जो इनकी करी है या फिर इसका मसाला है वो बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है, और वही इन सारी डिशों को अलग भी करता है। आप वो फ्राई वाला खाओगे तो उसका मसाला बहुत गजब था, करी वाला मटन करी की तरह लग रहा है, तो ये वाला पार्ट जब उठा करके आप करी के साथ खाते हो तो वो वैसा ही कॉम्प्लीमेंट करता है जैसे हम मटन खाते हैं। बट केकड़ा पहली बार है, पहला एक्सपीरियंस है, लेकिन बहुत सही लग रहा है। और इंद्रायणी राइस, इंद्रायणी राइस प्योर इंद्रायणी राइस। तो इंद्रायणी राइस क्यों बोलते हैं इसको? और ये थोड़ा खिचड़ी टाइप से है ना, ये वैसे नॉर्मल जो चावल हम खाते हैं स्टीम्ड राइस या उस तरीके के वैसा नहीं है, थोड़ा खिचड़ी जैसा है। इसको हाथ से खाते हैं लोग, चम्मच से खाते हैं? हाथ से खाते हैं। ये जो रस्सा है हमारा केकड़े का, ये देखो ये डाल दिया इसके ऊपर रस्सा, और ये जो केकड़े का था ये इसको अपन इसके ऊपर डालते हैं, और इसका एक बनाते हैं मस्त सा बाइट,
और यहाँ पर ये सारी चीज़ों को खाया जाता है हाथ से, बिल्कुल महाराष्ट्रीयन ट्रेडिशनल स्टाइल से। और बहुत सॉफ्ट है। इसके अलावा जो मैंने कहा इसकी जो करी की जो चटपटापन है इस करी का, बहुत सही लग रहा है इसके साथ। एक्चुअली क्या ये सारे कॉम्बिनेशंस बने हुए हैं, हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ में कॉम्प्लीमेंट कर रही है। अभी ये क्या है पूछते हैं, कैसे खाते हैं ये भी पूछते हैं। तो भाऊ क्या करना है इसका, वो अलग अलग करने का, इसको ऐसे से बीच में से अलग अलग, बीच में से देखो ये, अरे ये कर दिया अलग। अभी खाने को और चूस चूस के खाने का, चूस चूस के खाने का, जैसे खाऊं मेरे को तो डर लग रहा है, ऐसे खाने पड़ता है ना। तो ये इधर से ये देखो, ये जो बीच में है ना, इसके बीच में देखो ये सॉफ्ट सॉफ्ट सा है, ये निकालते रहो और ये खाते निकलते रहो, निकलते है ना, यही है इसका तरीका। अभी तो आपने जैसे खाया ना केकड़ा, हाँ। वो तो अच्छे से खाया, ऐसे भी खाते हैं। और एक तरीका ऐसा भी है उसका, एक डायरेक्ट खाया जाता है उसका। अच्छा, ये जो बीच में से तोड़ा था, तोड़ने के बाद पूरा मुंह में डालने का, चबा के बाकी का जो ये रहेगा वो निकाल देने का, निकाल देने। अच्छा कैसे खाएंगे बताओ थोड़ा, दिखा ये जो है ये अभी आप लेंगे ऐसे, उसको फोड़ देंगे। अच्छा ये आ गया, थोड़ा सा निकाल देंगे, ठीक है पूरा। अच्छा पूरा खा लो, पूरा पूरा खा लो, पूरा ऐसे। मतलब इनके कहने का मतलब क्या है कि इसको खोल के समेत खा लो पहले, तो फिर जो ये अंदर वाला जो ये पार्ट है ना जो नरम नरम है, वो तो आपको सक करोगे तो वो अंदर चला जाएगा, फिर जो खोल बचता है इसको फिर ऐसे बाहर निकाल दो। तो ये तरीका है इसको खाने का। तो अभी एक और डिश आने वाली थी अपनी, तंदूरी केकड़ा। तंदूरी केकड़ा, तो दोस्तों ये जो है ये तंदूरी केकड़ा है, ये देखो, ये देखो इस तरीके से लगा के लाए कि ये पूरा केकड़ा लग रहा है ना। जो प्रेजेंटेशन है इनका आप देख सकते हो, हमने आपको प्रोसेस दिखाया था, आपको याद होगा। अभी इसको भी खाने का तो सेम ही तरीका होगा, है ना, खाने का तो सेम ही तरीका। तो पहले अपन इसको ये ले लेते हैं, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये देखो, ये है तंदूरी केकड़ा, इसके ऊपर मैरिनेशन, इसको पहले मैरिनेट किया गया था और आपको, और फिर तंदूर में डाल के इसको पकाते हैं। तो अभी आ गया है ये, लेकिन चटनी के साथ आया है देखो जब। तो अभी इसको भाऊ तोड़ने का वही वैसा ही तरीका, इस तरह से तोड़ेंगे। और अभी मैं देखो थोड़ा सीख गया, ज्यादा तेज नहीं मारना है ना, ये भी है ना, ऊपर ऊपर मारना, हाँ ऊपर ऊपर मारना है, सिर्फ खोल टूटना चाहिए, वो बिल्कुल अंदर मैश हो जाएगा ज्यादा तेज मारोगे तो। तो देखो ये अभी अंदर की तरफ वही वाला पार्ट, तो अभी इस पार्ट को अपन निकालते हैं। और तंदूर में देखो ये थोड़ा सा चेंज हुआ है, तंदूर होने के बाद में ये अंदर वाली जो चीज़ है ना थोड़ी सी सख्त हो गई, सख्त है ना। तो अभी तभी इसको निकाल करके अपन चटनी के साथ भी खा सकते हैं, बहुत बढ़िया। और एक बार ब्रेक कर दो, इसमें से भी निकलेगा, हाँ इसमें से भी निकलेगा। तो ये है देखो यार, मतलब है ना, खाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, सुना था, लेकिन इतनी मेहनत करनी पड़ती है ये तो भाई साहब पहली बार है। केकड़ा के लिए मेहनत जितना करोगे ना उतना अच्छा केकड़ा खा सकते हो, केकड़े के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। तो अभी देखो ये जितना निकला, मैं अभी आपको वो खा के बताता हूँ। तो ये अभी देखो ये इतना निकाल दिया है, ये मैरिनेशन का पार्ट भी हमने थोड़ा सा इसमें ले लिया है। तो ये एक अपन, ये देखो, ठीक है पहले तो एक बार इसको ऐसे ही खाते हैं। जो कहावत तो सुनी होगी आपने, मेहनत का फल अच्छा होता है, वो वाली कहावत केकड़े पे लागू हो जाती है। देखो जो पहले हमने केकड़ा खाया था, जो दो केकड़ा हमने खाए थे, उसका जो पार्ट अंदर से निकला था सॉफ्ट था, इसका पार्ट थोड़ा सा तंदूर में जाने के बाद थोड़ा सा वो क्रीमी टेक्सचर नहीं है इसका। तो जब आप खाओगे ना तो टेस्ट में भी डिफरेंस आपको पता चलेगा। ये अपन निकालते हैं इसका, ये देखो, और ये इसको अपन चटनी में डुबाएंगे थोड़ा सा, और ये सही है यार। ये भाव इसका क्या प्राइस है? ये जाता है 500 रुपये को, इसमें दो केकड़ा आता है आपको, इसमें दो पूरा केकड़ा आता है मीडियम साइज़ का, 500 रुपये का प्राइस है तंदूरी केकड़ा, तंदूरी केकड़ा। सही है, जो सबसे ज़्यादा, हालांकि ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, मेरे को सबसे ज़्यादा पसंद आया था वो केकड़ा फ्राई,
उसका क्या मसाला था, और वो बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहा था जब केकड़ा को निकाला उसमें से और फ्राई का जो मसाला था उसके साथ खाया। और उसके बाद सेकंड मुझे पसंद आया ये भात, ये जो भात है ना इस करी के साथ में ये इतना कॉम्प्लीमेंट करता है टेस्ट इस तरह से इसको बिल्कुल देसी। और मैं इस पर थोड़ा सा ये नींबू भी डाल देता हूँ, ये देखो, और ये थोड़ा सा प्याज, ये पूरा मतलब फील लेके खाओगे ना ये वाला, ज़बरदस्त टेस्ट है। कभी भी पुणे आओ ना, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप बहुत सारी चीज़ें खाने के शौकीन भी होंगे, लेकिन केकड़ा हर जगह नहीं मिलता, और केकड़ा मिलता भी है तो उसका टेस्ट कुछ खास नहीं होता, बट इन्होंने ना महारत हासिल की हुई है। मैंने यहाँ पे बहुत लोगों से पूछा था कि मुझे नॉनवेज खाना है मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो नॉनवेज के लिए पूछ रहा था, मेरा मतलब था चिकन और मटन, लेकिन उन्होंने बोला प्रथमेश जरूर जाना और वहाँ का केकड़ा ज़रूर खा करके आना। तो इन्होंने जो केकड़ा बहुत ही मतलब अंडररेटेड चीज़ होती थी उसको इतना फेमस कर चुके हैं ये। और मैं ऑन द वे 35 किलोमीटर से आया हूँ, मैं हिंजेवाड़ी से आया हूँ यहाँ पर, और इस जगह के बारे में मैं बता देता हूँ, इसका जो व्यू है ना जहाँ पे अभी मैं बैठ के खा रहा हूँ, मेरे पीछे एक लेक है, तो मेरे पीछे एक लेक है, ये पूरा जो एरिया है बहुत खुला एरिया है, मैंने गूगल लोकेशन लगाया था और एग्जैक्ट मैं आ गया जगह पे, बट फिर भी मेरे व्यूअर्स को एक बार यहाँ का लोकेशन आप बता दीजिए। खड़कवासला डैम बैक वाटर पूछोगे ना तो कुर्जे करके गाँव है अपना, कुर्जे गाँव में प्रथमेश केकड़ा स्पेशल 1009 करके हमारा रेस्टोरेंट है, और यहाँ का एक कॉन्टैक्ट नंबर भी आप ही बता दीजिए स्क्रीन पर। हमारा नंबर है 7875791009। तो ये था यहाँ का प्रॉपर एड्रेस। बाकी अगर मैं फूड रेटिंग दूँ इस पर्टिकुलर को, तो मैं फूड रेटिंग दूंगा उन दो डिशेस के लिए जो मुझे पसंद आई थी, फ्राइड केकड़ा और उसके बाद में ये करी वाला जो केकड़ा था विद जो इंद्रायणी इनका भात था विद करी, बहुत ही सही टेस्ट कर रहा था। तो इसका जो रेटिंग होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग वो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, और इसका रेटिंग बकायदा यही होने चाहिए। मेरा एक्सपीरियंस प्रथमेश केकड़ा में बहुत ही अच्छा था, और मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप कभी भी पुणे या महाराष्ट्र आते हैं तो एक बार यहाँ ज़रूर आना, वर्थ है यहाँ आना। तो हम हमारी वीडियोज़ यूट्यूब पर तो डालते ही हैं, उसके अलावा हम हमारी वीडियोज़ डालते हैं फेसबुक पर और इंस्टा पर, हम लोग रील्स डालते हैं, तो इन दोनों को भी आप फॉलो कर सकते हो। और अभी मैंने इन दिनों अपनी एक वेबसाइट लॉन्च की है विच इज़ www.virtualbanjara.com, आप इस पे भी जा सकते हो और मेरे हर ब्लॉग को डिटेल में पढ़ सकते हैं, वहाँ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। सो आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ, और अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और दिन किसी और नए जायके के साथ किसी और नई जगह पर। टिल देन बी हैप्पी। ऐसे पकड़ ऐसा पकड़ ले लो इधर अंगूठा, इधर ले लो अंगूठा, ज्यादा आगे नहीं दबा के, दबा के रखो पूरा, इधर इधर पीठ को दबाने का, पैर नहीं दबाने का, पैर नहीं दबाने का, इधर दबाने, इधर इधर की उंगली निकालो, नहीं 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 रुको, इधर रुको, इधर उंगली लगाने का, इधर देखो, अरे ऐसा कैसे हो रहा है यार, तो डायरेक्ट डाल दो जा सर, उन्होंने कहा रुक जा।